Hello and welcome everyone to lecture number three for the chapter circles, which is there in class 10th syllabus of mathematics. So, uh, I have already discussed lecture one and lecture two for this chapter, and that is arranged in a proper uh, manner in a playlist named circles. So, if you haven't watched the previous two lectures for this chapter, then make sure you watch it first and then you attend with this third lecture. So, uh, we have discussed uh, a theorem in the previous lecture which says that if you have a circle, and mm. this theorem was mm. wonderfully explained uh, with some questions also. So, it says that the angle subtended by an arc at the center is double of the angle which the same arc subtends on the remaining circumference, right? So, if this angle at the center is, say, you know, 2x.

तो दिस इज वॉट द दियोरम विच वी हैड इन द प्रीवियस क्लास सेड ओके द आर्क विच इज सपटेंडिंग दिस टू एक्स इज दिस आर्क जो ब्लू से मैंने शेड किया दिस ब्लू आर्क इज सबेंडिंग द एंगल एट देंटर एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ देंगल कौन सा एंगल एनी एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द दर्कमेंस तो नाउ यू फोगेट सेंट्रल एंगल कुछ अभी जो थ्योरम करने वाले हैं उसमें तुम सिर्फ इतना सोचो कि ये सेंटर वाले जो एंगल है उसको भूल जाओ मतलब सेंटर में जो एंगल सबटेंड हो रहा है जस्ट फॉरगेट देम एंड ओनली फोकस ऑन द एक्स द द एक ये वाला एंगल एंड एक ये वाला एंगल ठीक है तो देखो मैंने सब इरेज कर दिया सिर्फ मैंने ये दोनों एंगल्स को रखा है द एक्स एंड द एक्स सेंटर वाले को मैंने इरेज कर दिया तो व्हाट यू कैन सिंपली सी दैट दिस आर्क ए बी दिस इज द आर्क ये जो शेडेड पोर्शन है दिस आर्क ए बी इज सप्टेंडिंग एन एंगल एक्स ऑन एनी पॉइंट ऑफ दिसकेंस एंड दैट सेम आर्क इज ऑल्सो सब्टेंडिंग दिस एंगल विच इज ऑल्सो एक्स ये दोनों इक्वल है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल सिमिलरली इफ यू ड्रॉ एनी अदर एंगल एनी अदर यू नो एंगल एट अ पॉइंट

ऑल ऑफ दीज एंगल्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल सेगमेंट मतलब करते हो तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है यह एक पर्टिकुलर सेगमेंट हो गया एंड ऑल ऑफ दिज एंगल्स आर फॉर्म इन इन दिस सेगमेंट तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल तो बेसिकली ये जो अभी जो थियरम हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल ही प्रीवियस वाले थ्योरम का ही एक कैरी फॉरवर्ड है दिस इज नॉट अ न्यू थियोरम इफ यू हैव लिसन केयरफुली माय लेक्चर टू वेर वेर आई हेड एक्सप्लेन द प्रीवियस थ्योरम एंड उसको अगर बहुत अच्छे से देखे हो तो समझ गए हो तो तुम्हें ये वाला अभी जो मैंने बताया थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल ये बिल्कुल उसी का ही एक दूसरा रूप है सो राइट डाउन थियोरम एंड राइट डाउन द स्टेटमेंट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इसका फिगर बना लो एक फटाफट फड़ से एक सर्कल बनाओ एंड इसमें हमें कोई सेंटर की जरूरत है नहीं क्योंकि हम यहां पे सेंटर वाले एंगल की बात नहीं कर रहे सिंपली हम क्या करेंगे कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं लेट अस टेक पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से सर्कम पर एंगल एक्सप्टेंड करो और पी और क्यू से कहीं पे और किसी और एक पॉइंट पर एक एंगल बनाओ सरकमेंस पर रिमेनिंग सरकम भी बना सकते हो पी से फिर क्यू से तो ये बताता है so तो यही है ये थ्योरम और फर्स्ट थ्योरम भी इसी में हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अगर हम यहां सेंटर बना दे सेंटर ओ और हम इन पी और क्यू से ही सेंटर पर एक एंगल बनाए तो फर्स्ट थ्योरम के अनुसार ये सेंटर वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एक्स होगा टू एक्स होगा दिस इज वॉट द फर्स्ट थ्योरम इज टेलिंग तो फिलहाल मैं इसको इरेस कर देता हूं बिकॉज आई एम ओनली डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरम तो मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला थ्योरम एंड ये वाला थ्योरम अब तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा वेरी इजी थ्योरम टू अंडरस्टैंड राइट नाउ द नेक्स्ट थ्योरम फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ये थ्योरम बहुत इजी था तो इसीलिए हम नेक्स्ट थ्योरम में मूव करते हैं ओके राइट डाउन जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है ये भी काफी इजी है लेट अस सी व्हाट इज देयर द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल काफी इंपॉर्टेंट थियोरम है ये जो इसके पहले वाले जो थियोरम हमने डिस्कस किया दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थियोरम इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सो सी आई ड्रॉ सर्कल एंड सी इफ आई ड्रॉ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल मैंने बनाया एक ड जो सेंटर से पास हो रहा है सेंटर ओ है इस सर्कल का सेंटर ओ है और मैंने एक कॉर्ड बनाया ए बी विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड दिस कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायामीटर आई होप दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज द डायमीटर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड राइट तो जैसे ही हमने डायमीटर बनाया वी हैव डिवाइडेड द सर्कल इन टू टू हाफ टू इक्वल हाफ तो हमें मिल गया एक सेमी सर्कल ये एक ऊपर वाला एक सेमी सर्कल है मीन हाफ ऑफ अ सर्कल नीचे भी एक सेमी सर्कल है हमें दो सेमी सर्कल्स मिलते हैं तो द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री मीन्स इज इट इट इज अ राइट एंगल इसका क्या मतलब है कि अगर हमने डायमीटर बना लिया इस तरह से और इस डायमीटर के जो दो एंड्स है आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी उन दोनों पॉइंट से हम अगर कोई भी एंगल अपटेंड करते हैं सरकमफेरेंस पर तो वो राइट right एंगल ही होता है मैं फिर से बता रहा हूं हमने एक कॉर्ड बनाया कौन सा कॉर्ड कोई एरा ग्यारह कॉर्ड नहीं डायमीटर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड this theorem is only for a semicircle so to draw to get a semicircle i have to uh, you know draw the diameter to diameter banaya diameter ka jo do ends hai point a and point b un dono point se hum agar angle banate hain circumference par kisi bhi point par let us take this point इस point पर हम एक a से line draw करेंगे, because we are subtending an angle through a and then through b तो ये जो एंगल होगा ये हो गया एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड ये 90 डिग्री होगा ही होगा एंड व्हाई ओनली दिस पॉइंट तुम्हें इस पॉइंट पे बनाने का मन कर रहे तुम यहां से ए से इस लाइन को ज्वाइन करो यहां से ज्वाइन करो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री तुम्हें यहां पर मन कर रहा है ए से बी से यू सी ऑल ऑफ दीज एंगल्स विल मेजर एग्जैक्टली नाइनटी डिग्री सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है बेसिकली ये जो थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा ये उसका भी एक उसी उस नजरिए से भी इसको देख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल ये जो सारे एंगल्स हैं 90 90 90 दे ऑल आर इन द सेम सेगमेंट एंड दे आर बाय द सेम आर्क ए बी तो ए बी ने रिमेनिंग सर्कम पर यह एंगल्स को सपरेंट किया तो यह इक्वल है जो थियरम ये वाले थियरम जो कहता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल उसके अनुसार ये इक्वल है हाँ इक्वल तो है क्योंकि सब नाइनटी है और अभी जो थ्योरम हमने पढ़ा उसके अनुसार कि अगर वो सेमी सर्कल के आ, में सबटेंड हो रहा है एंड द कॉर्ड इज यू नो द डायमीटर देन डेफिनेटली एंगल इज 90 डिग्री ठीक है रिमेंबर दिस अब हम ये जो थ्योरम हमने पढ़ा ये दो थ्योरम्स इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है So, write down this question, a very important question, very conceptual question. Find the value of angle A in the following diagram. Find the value of A. A is an angle in the following figure, yeah, diagram. What is the figure given in the question? Draw it. They have given a circle, a center of the circle. And a chord like this passing through the center, then a chord like this. So draw exactly uh, the way I'm drawing. This is a triangle. And they have now named the points: this is A, this is B.

कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमें ए कैसे पता चलेगा दीज आर ओनली डेटा प्रोवाइडेड अब देखो मैं जो भी हमने अभी तक पढ़ाया हमने अभी तक थ्री थियोरम्स ही पढ़ा है क्लास टेंथ वाले थियोरम्स थ्री थियोरम्स है प्रीवियस लेक्चर में एक थियोरम पढ़ाया है मैंने एंड आज दो थियोरम्स पढ़ाए उन पर बेस्ड ही ये क्वेश्चन है उन्हीं का यूज करके ये क्वेश्चन बन जाएगा हमें निकालना है ये ए तो मैं तो अभी तुरंत बताऊंगा बट मेरे बताने से पहले भी यू ट्राई टू थिंक क्योंकि तुम्हें दिमाग लगाकर ये सोचना है कि जो थ्री थ्योरम्स हमने बताया है उनसे ही ये उनका ही यूज करके ये क्वेश्चन बनेगा हाउ वी विल फाइंड ए दे हैव नॉट टोल्ड अस एनी थिंग अदर देन दैट दिस एंगल इज सेवेंटी डिग्री दिस एंगल इज थर्टी फाइव डिग्री एंड दिस इज ए बस और कुछ नहीं पता कैसे निकालेंगे सो so, देखो ये जो लाइन है ध्यान से देखो सी हाउ माई माइंड इज वर्किंग दिस लाइन इज द डायमीटर बिकॉज पासिंग थ्रू द सेंटर आई एम अबाउट बी डी बी डी लाइन को देखो ये डायमीटर से पास हो, ये डायमीटर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है और डायमीटर अगर है तो डायमीटर का एक एंड डी है दूसरा एंड बी है एंड डी से एक लाइन ज्वाइन किया गया बी से एक लाइन ज्वाइन किया गया और यहां पर एक एंगल बनाया गया दिस एंटायर एंगल सो दिस एंटायर एंगल मस्ट बी अ राइट एंगल 90 डिग्री क्यों क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल बेसिकली ये एक सर्कल है एंड ये तुम्हारा डी बी है जो सेंटर से पास हो रहा है द सेंटर इज ओ एंड यहां पे फिगर तो कुछ ऐसा है ना डी से एक लाइन बी से एक लाइन और जाके जो एंगल बना है वो 90 डिग्री ही होगा दिस इज वॉट टेलिंग कि डायमीटर के दोनों एंड से अगर हम लाइन ज्वाइन करके एक एंगल बनाते हैं चाहे वो ऊपर हो नीचे भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ये तो नीचे भी हो सकता है ये 90 डिग्रीज ही होगा कहीं पे भी ठीक है ऊपर नीचे कहीं पे भी तो वो भी यहां बात वैसे ही है डायमीटर से एंगल बनाए सो दिस इज दिस एंटायर एंगल दैट मीन्स दिस एंगल वेट एंगल इज 90 डिग्री तो so, ये पूरा एंगल हमें पता चल गया कितना है 90 डिग्री जिसमें से ये 70 है तो रिमेनिंग इज ऑब्वियसली 20 डिग्री है ना तो so, तभी ट्वेंटी होगा तो so, इतना तो हमें समझ में आ गया कि दिस रिमेनिंग पार्ट इज ट्वेंटी एंड दिस सेवेंटी वॉज ऑलरेडी गिवेन ओके एंड दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्रीज ये हमें लिखना पड़ेगा अभी तो हम माइंड में काम कर रहे हैं यह हमें लिखना है एंड आई विल टेल यू हाउ डू बी राइट इट अब हमें निकालना क्या है ये ए ए निकालने से पहले मैं ये एंगल निकाल सकता हूं वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल जिसको मैंने अभी क्वेश्चन मार्क किया क्यों क्योंकि हमें एक ट्राइंगल मिल गया है इफ यू सी चिल्ड्रेन वी हैव गॉट अ ट्राइंगल दिस ट्राइंगल दिस ट्राइंगल लुक एट दिस ट्राइंगल डी ए बी इस ट्राइंगल को देखो बड़े प्यार से देखो डी ए बी देख रहे हो डी ए बी जिसमें तुम्हें यह पता है कि ये 90 डिग्री है दिस एंगल इज 90 डिग्री तुम्हें पता है दिस एंगल इज 35 डिग्री, तुम्हें पता है तो तुम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रा करके तुम ऑब्वियसली ये वाले एंगल को निकाल सकते हो ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल निकाल सकते हो पहले वो काम करते हैं क्यों करेंगे वो अभी समझ में आएगा कि सर आप पहले ये एंगल क्यों निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा तो लेट लेटेस राइट डाउन सबसे पहले क्या हमने निकाला कि एंगल बी

तो ये हो गया अब हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल बी ये जो बी ट्रायंगल ट्राइंगल है इसमें हम तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री से इक्वेट करेंगे बिकॉज दिस इज वॉट एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है ए बी डी इज थर्टी फाइव डिग्रीज बी एडी इज नाइन्टी डिग्रीज एंड हमारा ए डी बी ये निकल जाएगा ठीक है सो दिस इज फाइव टेन लेवन ट्वेल्व वन ट्वेंटी फाइव डिग्रीज प्लस ए डी बी इज इक्वल टू वन एटी डिग्रीज अब हम आगे क्या करेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस वन ट्वेंटी फाइव विच इज फिफ्टी फाइव डिग्रीज तो हमने तो AD भी निकाल लिया हमने ये निकाल लिया कि दिस एंगल जो हमारा क्वेश्चन मार्क था ये 55 है हमें ये निकालना है अब बड़े आराम से करेंगे अभी अभी जो थ्योरम हमने पहला थ्योरम किया है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल मतलब सेम आर्क के द्वारा रिमेनिंग सरकमफरेंस में कोई भी एंगल बनता है तो वो इक्वल होता है इफ यू सी द आर्क ए बी ए बी आर्क को देखो तो ए से लाइन गया B से लाइन गया तो दिस एंगल ए इज फॉर्म्ड एंड दिसव इज ऑल्सो फॉर्मड से लाइन गया बी से लाइन गया और यह फिफ्टी फाइव बना तो बोथ ऑफ दिफ्टी फाइव डिग्रीज दे मस्ट बी इक्वल बिकॉज दे आर फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट दिस इज वॉट द थ्योरम दैट वी हैड स्टाडिड टूडे द फर्स्ट थियोरम दैट वी स्टाडिड टूडे सेज राइट तो लिखेंगे एंगल जिसका नाम ए सी बी है जो ए है एक्चुअली दी बी आई एम रेफरिंग टू एंगल ए दुल नेम इज ए सी बी दट इज इक्वल टू एंगल ए डी बी मीन्स दिसव लिखो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल या फिर सिंपली इतना तक लिखना ही काफी है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ये अंडरस्टूड है कि दे आर इक्वल अब हम लिखेंगे देयर फोर ए इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव डिग्रीज हमारा फाइनल आंसर हो गया तुम्हें बोर्ड्स में ऐसे ही लिखना है एग्जाम में रीजन के साथ कितना ईजी है तो वही थियोर का यूज करके हमने ये क्वेश्चन किया बस बुद्धि का जरूरत है सो इफ यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर एंड फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग देन सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी लेक्चर प्रेस द बेल आईक एंड ऑल्सो टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन ठीक है एंड टू सपोर्ट मी प्रेस द लाइक बटन let us move to the next question if you haven't uh, written that so then what you do you you know rewind the video a bit pause the video and then write it down and then continue write down this angle find angle b in the following figure point O is the center of the circle. देखो क्या है क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ है सर्कल दिया हुआ है एंड दे हैव टोल्ड दैट पॉइंट ओ इज द सेंटर यहां बोल दिया है पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल सो दिस इज द पॉइंट देन दे हैव ड्रॉन समथिंग लाइक दिस सो ड्रॉ द फिगर एज इट इज देयर इन द क्वेश्चन ओके, सो आई होप द फिगर इज क्लियर अब इसका नाम भी दिया हुआ है दिस इज पॉइंट ए दिस इज बी दिस इज सी दिस एंगल गिवेन इज फिफ्टी डिग्रीज एंड द एंगल गिवेन ओवर हियर इज सी डिग्रीज हमें ये सी निकालना है आई मीन बी दिस इज बी ओके हमें ये बी निकालना है हमें क्या निकालना है फाइंड एंगल बी सो दिस इज बी इसको मैं क्लियरली लिख दू ये बी है ठीक है हमें ये स्मॉल बी जो एंगल है वो निकालना है नाउ विद द सेम दैट वी हैड एंड अ लिटिल बिट ऑफ क्लास एट क्लास सेवन कॉन्सेप्ट हम आराम से बी को निकाल सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एंड आई होप मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी कमिंग अप विथ आइडियाज सर ऐसे करके तो ये बन जाएगा आइडियाज आर कमिंग इन योर ब्रेन कि सर कैसे बनेगा तुम्हें समझ में आ रहा है ओके okay, तो सी

थोरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो था कि पेरीफेरी का जो एंगल है यानी का एंगल है वो सेंटर का हाफ होता है यानी सेंटर में डबल ऑफ दिस बनेगा सो दिस दिस इज 50 एंगल वुड बी ट्वाइस ऑफ 50 विच इज 100 डिग्रीज सेंटर पे 100 सेंटर में डबल बन रहा है क्योंकि ये सेम आर्क से बन रहा है ए बी ने सेंटर पे एंगल बनाया और उसी ए बी ने ये 50 डिग्रीज भी बनाया सो फोर इट मस्ट बी हंड्रेड द डबल ऑफ फिफ्टी ओके okay, सो so, बहुत इजी है ये एंगल तो हमें पता चल गया कि ये हंड्रेड होगा अब ये पता चल गया आगे हम क्या करेंगे आगे हम जानते हैं कि इज द रेडियस ओ बी इज ऑल्सो द रेडियस इफ बोथ ऑफ देम आर रेडियस दे आर इक्वल एंड हेंस वी हैव गॉट एन आईसोसेलिस्ट्रा ट्रायंगल में क्या होता है बेस एंगल्स इक्वल होते हैं सो इफ दिस इज बी दिस एंगल इज ऑल्सो बी एंड हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके इस बी को निकाल सकते हैं right? राइट तो यही हम करने वाले हैं लेट एस राइट डाउन सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये सेंटर वाला एंगल हंड्रेड विल राइट वी विल राइट सोलूशन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी दिस इज फिफ्टी डिग्रीज इज ए सी बी इसका नाम क्या है फिफ्टी डिग्रीज का नाम क्या है ए सी बी है ना दिस इज ए सी बी ओके इसका रीजन लिखेंगे

लूज योर मार्क्स तो लिखना पड़ेगा सो एओबीज बेसिकली ट्वाइस ऑफ फिफ्टी डिग्रीज विच इज हंड्रेड डिग्रीज तो एओ बी हमारा पता चल गया हंड्रेड डिग्रीज हैउट दिस ट्राइंगल एओबी एओ बी वट हैल टू बी ओ वाई सिंस दे आर रेडियस या फिर रेडियाई ऑफ द सर्कल ऑफ द सेम सर्कल एक ही सेम सर्कल का ही रेडियस है तो इक्वल तो होगा ही देर फोर एंगल ओ ए बी मीन्स दिस एंगल एंड एंगल ओ बी ए मीन्स दिस एंगल दे आर इक्वल बेस एंगल्स ऑफ आईसोसिलिस ट्राइंगल्स आर इक्वल तो ये अंडरस्टूड है आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन सिंप्लीट बेस एंगल्स ऑफ आईसोसिलिस ट्राइंगल तो लगाएंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी एज इक्वल टू वन एट्टी डिग्रीज विच इज एंगल समर्टी ऑफ ट्राइंगल आगे इसको तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं दिस इज हंड्रेड डिग्रीज प्लस बी प्लस बी दोनों ही बी है बिकॉज आई एम कॉलिंग दिस बी इज इक्वल टू 180 एट्टी अब आगे हम सॉल्व करेंगे ये टू बी हो जाएगा सो टू बी इज इक्वल टू 180 एट्टी माइनस हंड्रेड सो बी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई टू विच इज 40 डिग्रीज आंसर कितने आराम से बन गया कितना इजी क्वेश्चन है बस थोड़ा बुद्धि चाहिए और वो थ्योरम्स का कैसे हमें यूज करना है वो हमें आना चाहिए एंड दिस क्वेश्चन आर वेरी सिंपल वन मोर क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम ई रेजिंग इट इफ यू हैवेंट रिटन इट वॉज द वीडियो एंड राइट इट तो सी इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड एंगल सी तुम्हें ये सी निकालना है सर्कल दिया हुआ है एंड दे हैव ड्रॉन अ कॉर्ड लाइक दिस दे हैव देन ड्रॉन लाइक दिस सी हाउ दे हैव ड्रॉन इट ओके जस्ट अ सेकेंड Let me first draw the center. And then they have drawn a chord passing through the center. Then the thing is like this. Very good. I hope you have drawn the figure. And now they, uh, they have named the points. Let me name it. This is. क्यू आर एस द एंगल ओवर हियर इज 45 फाइव डिग्रीज दिस एंगल दिस एंगल इज डी डिग्रीज एंड नथिंग मोर इज गिवन इतना ही बताया गया है कि पॉइंट ओ सेंटर है ये एंगल 45 फाइव डिग्रीज है मतलब एस क्यू पी फोर्टी फाइव है एंड एंगल डी आप निकालो एंगल सी आप निकालो इसका नाम सी है डी नहीं क्योंकि हमें एंगल सी निकालना है ठीक है तो करेक्ट कर लो इसको एंगल सी हमें निकालना है मतलब दिस एंगल जिसको मैंने पहले डी लिखा था अभी सी कर दिया कोई भी नाम से बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता सो दिस इज एंगल सी विच वी हैव टू फाइंड आउट कैसे निकालेंगे वही सेम थियोर सोचो अब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा येस yes. मुझे पता है बहुत लोगों ने सोच लिया द मोमेंट आई है ड्रॉन दिस डायमीटर तुम्हारे माइंड में ये जरूर क्लिक किया होगा कि सर एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्रीज होता है तो ये तो डायमीटर है और डायमीटर के दो एंड से जब हम लाइन ड्रॉ करके एंगल बनाते हैं एक एंड हो गया एस दूसरा एंड हो गया क्यू तो हमने एक एस से लाइन ड्रॉ किया और क्यू से लाइन ड्रॉ किया और हमारा ये जो एंगल है दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्रीज ये हमें पता चल गया मीन्स एस पी क्यू इज नाइन्टी डिग्रीज ये क्यों पता चला क्योंकि ये एक सेमी सर्कल में एंगल है एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से ये एंगल बना है circumference पर हेंस अकॉर्डिंग टू द थियोरम एस पी क्यू विल बी नाइनटी डिग्रीज तो ये नाइन्टी डिग्रीज है तो तुम अगर इस ट्राइंगल को देखो दिस ट्राइंगल एस पी क्यू इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से देखो थोड़ा सा प्यार से देखो एस पी क्यू दिस ट्राइंगल तो यहां पर वन ऑफ द एंगल्स यू नो नाइन्टी डिग्रीज द अदर एंगल यू नो फोर्टी फाइव डिग्रीज ये एंगल तुम आराम से निकाल सकते हो यू कैन इजिली फाइंड एंगल एस एंगल सम प्रॉपर्टी करके 90 प्लस फोर्टी प्लस दिस एंगल एक एस इज इक्वल टू वन डिग्रीज तो निकल जाएगा S. जैसे ही S तुम्हारा निकल जाता है तुम क्या करोगे तुम ध्यान से देखो दैट दिस कॉर्ड और दिस आर्क पी क्यू ये जो पी क्यू आर्क है ये पी क्यू आर्क ने ही इस S को सप्टेंड किया है पी से लाइन Q से लाइन तब जाके ये एंगल S बना है एंड ये एंगल जो जिसको हम स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं एट पॉइंट आर ये एंगल भी P से लाइन निकला है Q से लाइन निकला है तो हेंस बोथ ऑफ दिस एंगल्स मस्ट बी इक्वल तो अगर तुम्हारा ये S निकल जाता है तुम इजीली कह सकते हो कि दैट इज इक्वल टू दिस C एंगल क्योंकि बोथ ऑफ देम आर द एंगल्स देंडेड इन द सेम सेगमेंट बाय द सेम आर्क कौन सा थ्योरम जो सेकेंड थ्योरम आज हमने यू you यूनो know, uh, मतलब जो फर्स्ट थ्योरम आज हमने पढ़ा था वो यही थ्योरम था कि अ पर्टिकुलर आर्क

सेमी सर्कल हो गया 90 डिग्री अब लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल पी क्यू इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री पी क्यू हमारा 90 डिग्रीज निकल गया दिस पी क्यू एस इज ऑलरेडी गिवन फोर्टी फाइव डिग्रीज एंड क्यू हम निकालेंगे अभी सो दिस इज 135 plus QSP is equal to 180 degrees. Angle QSP is equal to एंगल minus 135. So this is 45 degrees. सो दिस इज तो हमें ये QSP पता चल गया 45 degrees है दिस इज 45. अब हम लिख सकते हैं हमें ये C निकालना है means QRP QRP निकालना है ना द स्मॉल C इज एक्चुअली QRP. आर QRP is equal to angle इज इक्वल टू एंगल क्यू एस पी क्यों भैया एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आज का फर्स्ट थियोरम तो एंगल क्यू आर पी को हम बोल रहे हैं सी तो सी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्रीज फोर्टी फाइव डिग्रीज आंसर दिस इज हाउ वी विल सॉल्व ओके सो वी विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू एवरी वन टेक केयर